केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का पांचवां दीक्षांत समारोह पीजी कॉलेज धर्मशाला के ऑडिटोरियम में मनाया गया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके शांता कुमार ने इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर हरमोहिंदर सिंह ने की। दीक्षांत समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि शांता कुमार ने 32 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल तथा 35 छात्र छात्राओं को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री समारोह में आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और भाषण व विश्वविद्यालय का प्रगति विवरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में अकेडमिक सत्र 2015-17 और 2016-18 तक के स्नातकोत्तर के 758, स्नातक के 27, डिप्लोमा के 14 छात्र छात्राओं को भी उपाधि प्रदान की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के उत्कृष्ट शिक्षा लाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। संस्थान ने थोड़े से समय में अपना बहुत बढ़िया स्थान बनाया है। मुझे खुशी है कि भविष्य के लिए और भी उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए संस्थान ने आज नए विषय जोड़ने की घोषणा की है। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन को इसके लिए बधाई देता हूं। शांता कुमार केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के पांचवे दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोल रहे थे। शांता कुमार ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का बन नहीं पाना छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी। मुझे इस बात का दुख है कि इतने साल भी भवन नहीं बन सका। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यह बहुत बड़ी कमी रही है हिमाचल प्रदेश के नेताओं की। शांता कुमार ने कहा कि अब मुझे लगता है कि इसमें देर नहीं होगी और बहुत जल्द केंद्रीय विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू होगा। मंडी जिला के जोगिंदरनगर उपमंडल के तहत बसाही धार गांव के पास एक कार HP 37C 2517 अनियंत्रित होकर 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि हादसा बीती रात करीब 12 बजे हुआ है। हादसे की जानकारी सुबह घास काटने जा रही स्थानीय महिला को मिली। उसने खाई में गिरी कार को देखा तो गांव के अन्य लोगों को सूचित किया। गांव वालों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद सड़क तक पहुंचाया। इतने में जोगिंदरनगर थाना की टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर पहुंचाया गया। मृतकों की पहचान 28 वर्षीय सन्नी पुत्र मदन लाल और 28 वर्षीय रोहित पुत्र छिंडा राम के रूप में हुई है। ये दोनों गांव चाहड़ी हटवास तहसील नगरोटा बागमा जिला कांगड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि घायलों में 29 वर्षीय विशाल कुमार पुत्र सुभाष चंद निवासी हटवास तहसील नगरोटा बागमा और 30 वर्षीय कालूराम पुत्र संसार चंद निवासी ऊपरली मरहोदली पठियार तहसील नगरोटा बागमा जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। घायलों का सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर में उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी सरकाघाट से जोगिंदरनगर आ रहे थे। एएसपी मंडी पुनीत रघु ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि घायलों को उपचार दिया जा रहा है जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वल्लभ महाविद्यालय में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में कॉलेज प्रधानाचार्य के नेतृत्व में कॉलेज स्टाफ और कॉलेज के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कॉलेज कैंपस में पड़ी गंदगी को भी साफ किया। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राकेश जम्वाल ने बताया कि इस स्वच्छता अभियान में कॉलेज वॉलंटियर्स NSS रोवर रेंजर्स के वॉलंटियर्स अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और कॉलेज कैंपस को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान। रोवर रेंजर्स के वॉलंटियरों ने कॉलेज कैंपस में सफाई की और बरसात के दौरान कैंपस के चारों ओर उगी घास
घास को भी उखाड़ा ताकि कॉलेज कैंपस को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाया जा सके। सोलन अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। इस बार एक महिला जो दुर्घटना में घायल हुई थी, वे लापरवाही की शिकार हुई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से दो दिन पहले एक महिला को वाहन टक्कर मार गया था, जिसके चलते महिला की टांग और पैरों पर गंभीर चोटें आई थी। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन हद तो ये है कि दो दिन बीतने के बाद भी उस महिला का इलाज आरंभ नहीं किया गया। इस पर घायल महिला और उसके बेटे ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि जहां एक ओर वे दुर्घटना में घायल होने के बाद दर्द सह रही है, वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों और पुलिस दोनों के रवैये से बेहद परेशान है, क्योंकि दो दिनों से उनका इलाज आरंभ नहीं हुआ है और उनकी दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग तो जख्मी जानवरों पर भी दया कर उनका इलाज करवाते हैं, लेकिन वे पिछले दो दिनों से अस्पताल में तड़प रही है, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दुर्घटना में घायल लोगों पर कानूनी कार्रवाई बाद में भी चल सकती है, लेकिन पहला फर्ज घायलों को जल्द इलाज देना है, लेकिन सोलन अस्पताल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लापरवाही पुलिस की थी या अस्पताल प्रशासन की, लेकिन जो दर्द महिला को दो दिनों तक सहनी पड़ी, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है और क्या इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये प्रश्न सबसे अहम है ताकि किसी के साथ भविष्य में ऐसा ना हो।